सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम ने किए पिता के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़फ रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों से भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे। राजा दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वन गमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहाँ बुलवा लिया। उसके पश्चात राम सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहाँ उपस्थित अपने पिता और माता की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराजा दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग पड़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं, कृपया करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारी वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊँ। वहाँ पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वशिष्ठ जनों ने एक बार फिर से केकई को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु केकई अपने इरादों पर अडीक रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगड़ी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आइए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़ कर आइए। इतना कहते ही राजा दशरथ बिलक बिलक कर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। आज के प्रसंग में हमने जाना भगवान श्री राम के पिता के अंतिम दर्शन के बारे में। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।